हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप लॉकडाउन में कहीं भी किसी भी शहर में फंस गए हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप ये फॉर्म फिल कीजिए और आपको बाकायदा ट्रेन बस से आपको अपने घर पहुंचा दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। आपको ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल करना है, वैसे बाकायदा ऑफलाइन भी हो रहा है, जो जहाँ भी आप फंसे हैं वहाँ पर नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन वगैरह हैं वहाँ पर भी हो रहे हैं, प्रधान भी कर रहे हैं वहाँ के। लेकिन ऑनलाइन करना है तो ये वीडियो पूरा देखिए। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्म जो भी है कहाँ से मिलेगा, कैसे क्या करना है, तो सब पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ऑनलाइन देखा था नेट पे, गूगल पे, साइट कहीं नहीं दिखा मेरे को। तो मैंने क्या किया, जो मतलब कलेक्टर का नंबर होता है आजकल काफ़ी हो रहा है, तो उनका नंबर था, मैंने उनको व्हाट्सअप किया, तो उन्होंने लिंक भेज दिया पंजाब का साइट का। ओके, तो पंजाब, इस लिंक पे आप पंजाब से किसी भी शहर में भारत के जा सकते हैं अप्लाई करके, सिर्फ पंजाब में जो फंसे हैं वो। तो ऐसे आप दिल्ली, लुधियाना में कहीं भी फंसे हैं, तो उसके लिए अलग अलग साइटें हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप कहीं और हैं तो उसके लिए ये पेज मैंने खोल लिया है, और ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, पेज खुला, फॉर्म खुल गया है, इसको फिल करना है। तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक भेज दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या करना है, मतलब कि पंजाब में आप कहाँ पे फंसे हैं, तो लुधियाना हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पुलिस स्टेशन जो भी है वहाँ का वो कर लीजिए, लुधियाना का पुलिस स्टेशन जो आपके नियर बाई है। ओके, फिर यहाँ पे आपको यहाँ से जाना कहाँ है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कहाँ के हैं, तो हम यहाँ उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश डाल देंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले से हैं आप, तो यहाँ पे ज़िला फिल करना है, तो अपना ज़िला ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ज़िला हो गया। अब यहाँ पे तहसील दर्ज करनी है। ओके, जो भी आपका मतलब गांव का जो भी तहसील है जहाँ पे आपको जाना चाहते हैं, वो तहसील यहाँ पे दर्ज कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में यहाँ पे पूरा पता दर्ज कीजिए। ओके, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वो पता ऊपर फर्स्ट वाले में यहाँ पे दर्ज कीजिए, जहाँ पे आपको जाना है, मतलब जहाँ आपका घर है, वो घर का पूरा एड्रेस नंबर वाय यहाँ पे एंटर कीजिए। और उसके नीचे सेकंड वाला जो बॉक्स है, उसमें आप जहाँ पे अभी फंसे पड़े हैं, मतलब जहाँ पे भी हैं अभी, वहाँ का पूरा एड्रेस फिल करना है। चलो, मैंने थोड़ा सा एग्जांपल ये बता रहा हूँ, मैंने फॉर्म भर दिया है किसी का। तो अभी दोबारा एक बात और फ्रेंड्स, इसमें जो आप मोबाइल नंबर डालेंगे वो एक ही मोबाइल नंबर एक ही बार डाल सकते हैं। दोबारा उनके लिए अप्लाई करना है किसी और के लिए, तो दूसरा मोबाइल नंबर यूज करना होगा, वो मोबाइल नंबर आपका चलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका जो दूसरा एड्रेस जहाँ पे अभी आप हैं, जैसे मैंने लुधियाना का भर रहा हूँ, तो यहाँ का सेकंड वाले में नीचे वाले पेज में लुधियाना का एड्रेस है पूरा बाकायदा लिखा हुआ, आप पढ़ के भर सकते हैं। फिर अपना एक जो आपके पास मोबाइल नंबर है वो फिल कर दीजिए यहाँ पे, वो मोबाइल नंबर चलना चाहिए। ओके, फिर अपना सेकंड वाले में नीचे देख रहे हैं आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे आप एक आधार अपना आधार नंबर दर्ज कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे अपनी गाड़ी है कि आप साधन से किससे जाना चाहते हैं, तो इसे कर दीजिए। अगर आप बस बस से जाना चाहते हैं तो नो यस कर दीजिए, मतलब नो पे रहने दीजिए। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। ओके, आपके पास कितने बंदे, आप सिंगल हैं कि आपके पास ग्रुप है, तो आप 25 बंदे तक यहाँ पर लिख सकते हैं। वहाँ पर अपने बंदे क्लिक कीजिए, मतलब बंदे की एंट्री डालिए, अगर दो हैं, तीन हैं, चार हैं, सिंगल है तो सिंगल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम फिल कीजिए, ए और उम्र और मतलब जेंडर, लिंग क्या है, मतलब आदमी औरत जो भी हैं वो फिल कर दीजिए। यहाँ पे एज डाल दीजिए, ये नीचे वाले में मेल फीमेल जो भी हैं चेक कर दीजिए। उसके बाद में आप कितने लोग हैं, अगर दूसरा भी बंदा है तो उसका नीचे फिल कर दीजिए। ओके, यहाँ पे और भी बंदे हैं तो ऐड डिटेल्स में क्लिक करके, और नीचे ऐड डिटेल्स में और भी बंदे का एंट्री कर सकते हैं आप ऐसे ही, मतलब जितने जितने बंदे होंगे उतनों को आप एड डिटेल आएगा, उसके बाद क्लिक करते जाइए। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड डालिए, जो कैप्चर कोड दिख रहा है इसको एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ सैंपल है, सैंपल पर क्लिक कर दीजिए, ये पढ़ लीजिए पूरा जो भी आप लिखा हुआ है यहाँ पे, आप बाकायदा पढ़ सकते हैं, इंक्वायरी नंबर है जो भी है ये पढ़ के। ओके फ्रेंड्स, और सैंपल पर क्लिक कर दीजिए, इसका मतलब है ये मोबाइल नंबर जो भी आप इस पर दे रहे हैं वो एक ही बार यूज होगा, और इस पर सारी डिटेल्स आएंगी उसके। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको वेरीफाई करके और भेज दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।